बड़े शहर की एक गली में बसा हुआ है नुक्कड़। नुक्कड़ के सारे बाशिंदे तकदीरों से पकड़। अलग अलग तकदीर है सबकी, अलग अलग है बोली, अपने अपने धंधे सबके अपनी अपनी टोली। अजब तमाशा है ये नगरी, दुख में हंसते गाते हैं, अपनी बर्बादी का यारो ये तो जश्न मनाते हैं। मिलते हैं, बिछड़ते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मिलते बिछड़ते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, गिलते संभालते हैं यारो। चाहे किसी भी नाम से तुम इनको पुकारो, ये सारे हैं बक्कड़। बड़े शहर की एक गली में बसा हुआ है नुक्कड़। नुक्कड़ के सारे बाशिंदे तकदीरों से पकड़। बड़े शहर की एक गली में बसा हुआ है नुक्कड़। रसिया सेठ, ये दिवाली काय को मनाते? देख सुन, दशहरा के दिन भगवान रामचंद्र जी रावण का मारे रहे और उही के बाद दिवाली के दिन अयोध्या मां पधारे। अरे भाई, दिवाली के दिन उनका राज तिलक हुआ था। हिंदुओं का यही एक त्योहार है जो अमावस के दिन मनाया जाता है। अमावस के दिन काय को? अरे सारा साल जो बुरे लोगन की आत्मा आत रहत है ना, उही का हम फटाका जला के भगात है। अब चांदनी रात मां भूत प्रेत थोड़े ही आ सके। कादर भाई, ओ कादर भाई, दो चाय भेजना, थोड़ा स्ट्रॉन्ग भेजना। अभी भेजता हूँ, अभी दो चाय। और सुन, दिवाली में अभी दो दिन बाकी है, दिन भर दुकान पे बैठ, जितना पैसा बनेगा सब तेरा। सच्ची? गुरु इसको संभाल, पीछे रेल की पटरी पर घूम रहा था। बाबूजी एक और लगाया छनीचर। तू एक दिन ना बेहोशी की हालत में मर जाएगा। तुम कौन है? तेरा बाप, एक रख के दूंगा तेरे को। कितने बार बोला दारू नहीं पीने का? और बोल रहा था मेरे को एक आदमी की धुलाई करने की है। किसको मारने का था? राम मेरे को मालूम नहीं है कौन है वो। हम नहीं मालूम? नहीं। अच्छा वो रहता किधर है? भार्गव का आदमी, फॉरेन का। फॉरेन? उधर ना फॉरेन के लोग बैठे। ये गंजू, ये वो आदमी किधर है तेरे को मालूम है? इधर मालूम ना, एक मिनट अपन ढूंढता है उसको। हाँ इधर एक मिनट। अरे ये तो फेंकू है। मैं तेरे को एक झापड़ मारूंगा ना, तेरा सब नशा हरण हो जाएगा। अभी मेरा घड़ी टूट जाता। Damn it! एक तू मेरे को झाबड़ नहीं मारना क्या? मेरा नशा सब खत्म हो जाएगा। एक गंजू यार, मैं पक्का बेवड़ा हो गया रे। अच्छा आ? मेरे को आज ही मालूम पड़ा। एक मिनट, आप उसको इधर क्यों ढूंढते हैं? बोल, मारने को? मारने को, पर वो इधर तो रहता नहीं। फिर किधर रहता है? वो भार्गव का आदमी है, फॉरेन वाला है। पर वो तेरा क्या बिगाड़ा? अरे तेरे को मालूम नहीं क्या? हा? अरे जब हिंदुस्तान का मारा मारी हो गया था ना, तो अमेरिका वाला सब बोलता है कि हिंदुस्तान पे एटम बम डाल दो। ए, तेरे को मालूम एटम बम क्या होता है? अरे 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 अरे, बातें तो तुम लोग सब एटम बम की करते हो, मगर किसी ने भी दिवाली के फटाकों के बारे में सोचा? क्या हुआ तेरे को? तेरे को क्या हुआ? वो देखो पटाखा। बाजी एक चीज याद आ गया। मशूक की एक नजर के सामने एटम बम बेकार। वाह, मशूक की एक नजर के सामने एटम बम बेकार। मर गया मेरा यार जो उसने किया नजर का वार। मेरा एक शेर, मेरा एक शेर। आज अबुल ने दारू पी के नुक्कड़ पे पड़ेला आए, यात्री गड़बड़ करने का रहे, अबुल भी सर फिरेला है।
दुखिया को बाहर निकालो नुक्कड़ से, नहीं तो सब लोग अपना काम धंधा छोड़ के शायरी करने लगेगा। अरे कादिर से, दिवाली पास आ रही है, कुछ सोचा? अरे वो बेचारा क्या सोचिए, ये बरस तो हम सबके सब कड़का फटाकड़ी मोमबत्ती कहाँ से लाई है। ए शर्मा जी, जरा अपना ज्योतिष लगा के देखो ना, ये टाइम नुक्कड़ का दिवाली कैसे बनेगी। ग्रह बहुत खराब है, इस बार दिवाली बहुत फीकी गुजरेगी। अबे फीकी कैसे गुजरेगी, 25 रुपए मेरी तरफ से और दिवाली वाले दिन सबको फ्री चाय और 30 रुपया हमारी तरफ से। अरे वाह 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 वाह, मेरे भी 25 रुपए लिख लो। अरे हाँ, और सब लोगों का फ्री में हजाम। और कादर से 20 रुपए मेरे नाम पे भी लिख दो और मेरी तरफ से बाकी सब। बस बस अभी 1-2 रुपए वाले बचे। गुरु हाँ, मैं पूरे 100 रुपया दूंगा। फेंकता है। पर राजा तू 100 रुपए लाएगा किधर से? गुरु हाँ, मैं कहीं से भी लेके आऊं 100% आई विल ब्रिंग 100 रुपीज। वाह 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 वाह। मगर फिर भी सिर्फ 200 रुपए होते हैं। पिछली दिवाली पे हम सब ने मिलके 800 रुपया इकट्ठा किया था, इस बार क्या हो गया तुम सबको? है कादर भाई, इस साल गुप्ता और मानिकलाल से कुछ भी मिलने की उम्मीद नहीं है। गुरु जी 50 रुपए मेरी तरफ से भी। जरा राधा को ऊपर भेज देना। जी अभी भेजवा। क्या बात है टीचर जी, नीचे जाके गुरु से कहना कि आजकल सेठ मानिकलाल और गुप्ता जी के परिवारों में झगड़ा चल रहा है, बस वो समझ जाएगा कि क्या करना है। ठीक है। और एक काम और करना, ये लो पैसे, कल सुबह मुझे 1 किलो मिठाई चाहिए। मिठाई? मिठाई मिसेस गुप्ता, लड्डू और लीजिए ना। बस बस बात हो गया। अरे लीजिए ना, कहती हो तो एक और ले लेती हूँ। बड़े अच्छे लड्डू बन गए, कहाँ से मंगाए हैं? अजी मैंने कहाँ मंगवाए हैं, मिसेज मानिकलाल ने भेजे हैं। सुना है दिवाली पर 7 किलो मिठाई मंगवाई है। 7 किलो क्यों? मुझे लगता है 5 किलो मिठाई नुक्कड़ वाले लोगों में बंटवाएंगे। वो तो मैं भी मंगवाऊंगी, लेकिन वो है बड़ी कंजूस। मैंने सोचा शायद इतनी सारी मिठाई उसने अपने घर के लिए मंगाई होगी, मैं तो अपने लिए 10 किलो मंगवाऊंगी। अच्छा, घर के लिए? नुक्कड़ में बंटवाने के लिए। अच्छा, अच्छा। घर के लिए तो मैं अलग से 3 किलो मंगवाऊंगी। हाँ और क्या, गुप्ता जी की बीवी कह रही थी कि मैं पार्वती जैसी कंजूस थोड़ी ही हूँ। अच्छा, मेरा नाम लिया जी। राधा तू मेरा एक काम करेगी? करेगी। 1 मिनट, ये ले पैसे, 15 किलो मिठाई सारे नुक्कड़ के लिए और 5 किलो मेरे घर के लिए लिया। ये हो गया 140, और कोई बचा? गुरु अपना राजा कल बोलता था कि 100 रुपया देने वाला, वो किधर है? अबे उसका असली नाम मालूम है? फेंकू, फिर पूछते किधर गया। राजा साहब आइए आइए, ये रहे 100 रुपये। अरे वाह, गुरु नोट जरा अच्छी तरह देख ले, बराबर है ना? एकदम बराबर। ये देख, नहीं है, कल ही लाई। कैसी लग रही हो? क्या मालूम मुझे, तेरे वास्ते तो लाई और तू है कि देखता भी नहीं। चलो 240 हो गए। ए तू 240 का क्या करेगा? चुप है बेबे। अरे ये ले 10 रुपए का एक बड़ा फटाका ले गया और 20 रुपए की मिठाई। नहीं गुरु नहीं, मिठाई लाने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? अरे 25 किलो मिठाई आ गए ली है। अरे वाह। अच्छा, यानी कि तूने और टीचर ने अपना कमाल दिखा दिया। हाँ। चलो भाइयों, अब आगे के प्रोग्राम के लिए तैयारी। गुप्ता जी, गुप्ता जी, नमस्कार। गुप्ता जी नमस्कार। कान खोल कर सुन लो, दिवाली के लिए मेरे पास 1 पैसा भी नहीं है, समझे? अरे ची ची ची, कैसी बातें करते हैं गुप्ता जी, हम लोग तो फटाके खरीद चुके हैं। हाँ, हम तो बस यही चाहते हैं कि पहला फटाका जलाकर दिवाली का उद्घाटन आप करो। मगर ये उद्घाटन आप मेरे से क्यों करवाना चाहते हो? अरे कमाल करते हैं गुप्ता जी, आपसे जास्ती शरीफ इस नुक्कड़ में और कौन है? मेरे नहीं, 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 नहीं। लड़का समझदारी की बात कर रहा है। मगर ये उद्घाटन में मुझे क्या करना होगा? आइए बताता हूँ। आइए।
इतना बड़ा फटाका मैं चलाऊंगा? कमाल करते हैं गुप्ता जी, उद्घाटन भी तो आप ही कर रहे हैं। उद्घाटन तो फुलझड़ी से भी होता है। हाँ गुरु, वो फुलझड़ी से ही उद्घाटन करवा लो ना। बकवास बंद कर। अरे गुप्ता जी, जितना बड़ा फटाका उतनी शानदार दिवाली। मगर ये तो बहुत जोर से फटेगा। अरे तुम कान में उंगली डाल लेना ना। देखो भाई, मैं दिल का बड़ा कमजोर हूँ, मगर आप जला के यहाँ से दूर भाग जाओ। चलो 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 चलो। कबाई के यहाँ खड़ा होकर क्या देख रहा हूँ? सेठ, आप भी देखो क्या हो रहा है। चलो 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 गुप्ता जी, चलो चलो चलाओ। अरे जलाओ जलाओ गुप्ता जी। लेकिन कबाई ये हो क्या रहा है? वो गुप्ता जी ई नुक्कड़ की दिवाली का उद्घाटन कर रहे हैं। नुक्कड़ की दिवाली का उद्घाटन गुप्ता कर रहा है, वो किस खुशी में भाई? भाई उन लोगों का कहना है कि इस नुक्कड़ के सबसे ज्यादा मालदार और इज्जतदार आदमी गुप्ता जी हैं। अरे धनिये में घोड़े की लीद मिला के ससुरे ने चार पैसे का कमा लिया, धन्ना चट हो गया, इज्जत वाला हो गया है? हम भी यही कहे हैं लाल जी, जब भाई तो हम यहाँ ठहरे हैं। खड़ा रहो। आराम से आराम से। अरे गुप्ता जी बुझ गया। माता हवास घबराइए मत, लगाइए ये। अरे बुझ गया। सेठ, हम उन लोगों की तरह नहीं है। गुप्ता जी ने चार पटाखे क्या मंगा दिए, उन्हीं के गुनगाने लगे। क्या मतलब? गुप्ता ने पटाखे और मोमबत्ती भी मंगवाए हैं? कितने मंगवाए होंगे? कम से कम 500 रुपए के मंगवाए होंगे। हिम्मत से चले। थम्मा थम्मा, ये क्या चल रहा है? गणपत, गुप्ता जी फटाका फोड़ के दिवाली का उद्घाटन कर रहे हैं। ये फटाका है? अरे ये बम है, बम। कोई उद्घाटन नहीं होगा। अरे हवालदार साहब, ये बम बम कुछ नहीं, मामूली फटाका है, और ये तो फूटता भी नहीं। मैं आपको फोड़ के बताऊंगा। जलाओ 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 गुप्ता जी जलाओ। देखा गुप्ता जी, उद्घाटन मुबारक हो। गुप्ता जी उद्घाटन मुबारक हो। बेवकूफ से एक पटाखा नहीं चलाया जा रहा, वो बोला नुक्कड़ की दिवाली का उद्घाटन क्या करेगा? बस 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 बस, अब बहुत हो चुका, देखा नहीं जाता, बर्दाश्त नहीं होता। मानिकलाल जी, हम भी तो तय कर लिया है कि इस नुक्कड़ का नेता मानिकलाल जी को ही बनाएंगे। और दिवाली का आपसे वो कराएंगे जो क्या कहते हैं उसे, उद्घाटन। देखो भाई, मैं ये नेता वेतागिरी के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता, समझे? तुम लोग आपस में से किसी को नेता बना लो। ये क्या बोल रहे हैं? क्या बात? मगर सवाल तो शरीफ और इज्जतदार का है ना। तो आप ही हो। अच्छा तो फिर ठीक है, कोई बात। 200 रुपए रख लो। मानिकला जी क्या हुआ? आप इसे रख लीजिए, वरना ये लोग समझेंगे कि 200 रुपए के लिए हम मानिकलाल जी के हो गए। चलो। आप लोग तो बुरा मान रहे हो। ऐसी बुरी बात तो मैंने कही नहीं थी। ये 500 रुपए रखना। ये मानिकलाल जी क्या? तो फिर वो गुप्ता ही कौन हो बुरा? गुप्ता कौन बुरा? बात सही है ना, अगर टक्कर बराबर का हुआ तो क्या हुआ? सर ऊंचा करके चलने के लिए उनसे कुछ ज्यादा ही देना चाहिए। ये रख लीजिए आप। सोचिए बात है। वो सुनिए, ये 500 रुपए रख लीजिए। डैड, ये किस खुशी में पैसे दिए जा रहे हैं लोगों को? अरे तू चुप रह, इस वक्त सवाल इज्जत का है। ये पैसे तो दिवाली मनाने के लिए दिए जा रहे हैं। अरे पर 500 रुपए? अबे 500 रुपए देके वो गुप्ता लीडर बना जा रहा है मोहल्ले का, समझे? मुझे 700 देने पड़ेंगे, समझा? ये लीजिए, ये आप 200 रुपए और रखिए। जी मेरे बस में होता तो मैंने कब की इस देश की गरीबी दूर कर दी होती। देखा,
सीख, अपने बाप से कुछ सीख। अरे क्या सीख, ये कुछ सीखने वाला नहीं है, उल्लू का पट्टा। मानिक लाल जिंदाबाद, हमारा नेता मानिक लाल, नुक्कड़ के नेता मानिक लाल, लालों के लाल मानिक लाल। गुरु, ए गुरु, ये सब क्या हो रहा है? गुप्ता जी, हाँ? कुछ गद्दार जाके मानिक लाल के साथ मिल गए। अच्छा? बोलते हैं दिवाली का उद्घाटन उसी से करवाएंगे। लोगो रोको ना, कितना शोर मचा रहे हैं। मैं दिल का कमजोर आदमी हूँ, घाबरू ना का, डरो मत। अच्छा, मैं एक एक को देखता हूँ। पकड़ो, मैं आऊँ क्या? बोल, क्या हो रहा है? हवलदार जी, सेठ माणिक लाल ही पटाखा फोड़ के नुक्कड़ की दिवाली का उद्घाटन करत है। ये फटाका है, अरे ये बम है, बम। कोई उद्घाटन नहीं होगा। हवलदार, हवलदार, ये बम नहीं है, इसको कहते हैं जंगी पटाखा। क्या? मैं अभी चला के दिखाता हूँ। ये फटाका ही है, इससे मुंह काला नहीं होगा ना? हो सकता है, जरा मुंह संभालना। गुरु, तुम्हारे होते हुए ये गद्दारी हुई कैसे? अरे गुप्ता जी, चांदी का जूता अच्छे अच्छे को फोड़ देता है। अच्छा? इन लोगों ने फैसला किया है कि नुक्कड़ की दिवाली मानिक लाल की दुकान के बाहर ही मनाई जाएगी। क्या? हाँ। भाइयों और भाइयों, आपने जो सम्मान मुझे दिया है, इसे मैं 2-2.5 दिन तक नहीं भुला पाऊंगा। इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देश कितनी तरक्की कर गए हैं, कहां से कहां पहुंच गए हैं, उन्होंने कितने बड़े बड़े एटम बम बना लिए हैं, और एक हम हैं। सेठ जी, आगे भी तो बोलिए। हम हैं कि शांति के पीछे पड़े हैं। इतनी मुश्किल से बिमला से पीछा छुड़ाया और अब शांति के पीछे पड़े। और सेठ जी, माणिक लाल कहता था कि दुनिया में घोड़े की लीद मिलाकर 4 पैसे क्या कमा लिए, कि अपने आप को तन्ना से समझता है। अच्छा? हाँ, मैंने अपनी आंखों से सुना। अच्छा? हाँ, चलो। तू लोगों को भरता है, भरता है मेरे खिलाफ। भाइयों, आज ये साबित हो जाएगा कि टुच्चा, कंजूस, मक्खी चूस कौन है और खानदानी रईस कौन है। अरे नुक्कड़ की दिवाली के भाई बहनों के लिए जो 700 रुपए निकाल के यूं फेंक देता है, वो दिलदार कौन है? आप हैं। मानिक लाल जिंदाबाद। चुप चुप चुप। 700 रुपए में तुम लोगों ने अपना ईमान बेच डाला। इतने सस्ते में बेच डाला। अरे मानिक लाल के बच्चे, सारा गंगापुर जानता है कि तू गंगापुर में क्या बेचता था। पूछो पूछो, क्या बेच रहा था? केले, केले। और नुक्कड़ का नेता बने घूमता है? नुक्कड़ का असली नेता मैं हूँ। दिवाली मेरे दरवाजे पे मनाई जाएगी। मैं इस दिवाली में 800 रुपए के फटाके जलाऊंगा। अरे गुप्ता जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, गुप्ता जी 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 जिंदाबाद। क्या सेठ, ये तो सिर्फ 400 रुपए। 400 रुपए? अरे 1, 2, 3, 4। हाँ। उधर तो तुमने बोला था 800 रुपए दे। हाँ, 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 हाँ। तुम्हें ठीक से याद है? अरे 1, 2, 3, 4। इस बार पिछली दिवाली से ज्यादा पैसे जमा हुए। आजा 15 रुपए मेरे को दे दो। तू चुप रह, नहीं तो तू मेरे हाथों से आज पिट जाएगा। कादर भाई, हाँ? ये 25 किलो मिठाई सुना तुम लोगों ने? 25 किलो मिठाई। ए गुरु, कुछ देखा तुमने? क्या? पिंकू के हाथ में घड़ी नहीं है। मालूम है, वो 100 रुपए लाने के लिए घड़ी ने गिरवी रखवा दी। कादर भाई, कितना पैसा जमा हुआ?
1500 सेठ लोग का और 230 अपन सब का। अरे तुम इतने सारे पैसे का क्या करेगा तुम लोग, मेरे को 10 रुपया दे दे। तेरे को एक पैसा नहीं मिलेगा, चुप। गादर भाई 100 रुपया राजा का और बाकी सब नुक्कड़ वालों के पैसे वापस करो। आज 10 रुपया मेरे को दे दो। दिमाग मत चाट, चल फुट इधर से। मैं दिमाग चाटता है और नहीं तो क्या? तू पैसे नहीं देगा गुरु? नहीं देगा। नहीं देगा गुरु? नहीं देगा। तेरे को भारी पड़ेगा बोलना। मैं गुप्ता जी, गुप्ता जी, गुप्ता जी, गुप्ता जी, गुप्ता जी, ले ले मेरे बाप 10 रुपए और पीपी के मर जा। क्या है, टाइम क्या हो गया? टाइम क्या हो गया? टाइम कादर भाई, इसको 10 रुपए देके दफा करो। थैंक यू। चल जा जा जा। शर्मा जी, किधर गए आपकी ज्योतिष? मानिक लाल और गुप्ता जी के घर में। माफ कर रहा गुरु, मैं देना भूल गया था। लीजिए लीजिए, आप लोग खाइए। अरे खाइए खाइए सेठ जी, आप ही का माल है। और जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए, हमारे दिवाली मनाओ। गुप्ता जी, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि नुक्कड़ वालों ने मिलकर हम दोनों को हिंदू बना दिया? मालिक यार, आपकी बात सही है, मगर आज दिवाली है ना, भूल जाइए। भूल गए? मुबारक हो मालिक। मुबारक हो।